इस कहानी में एक 18 साल का लौंडा नौकरानी को खोदकर प्रेग्नेंट कर देता है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम 18 साल के जैक को देखते हैं, जो छुट्टियां बिताने के लिए अपने डैड के घर आया हुआ था। डेव जैक को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जैक बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसकी अपने डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती। इसके बाद डेव उसे उसका कमरा दिखाता है। वो कहता है अगर हम साथ में रहे तो हमारा रिश्ता अच्छा हो सकता है, लेकिन जैक उससे नफरत करता था। अगले दिन जब जैक स्मोक कर रहा था तब उसे घर के गार्डन में एक लड़की दिखाई देती है। वो जल्दी से बाहर आकर उसे कर देखने लगता है। तभी डेव पीछे से आकर कहता है वो मारिया है और हमारे घर का ख्याल रखती है। वो मारिया को बुलाकर उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और जैक से कहता है अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मारिया से मांग लेना। 40 साल की मारिया देखने में जवान और बहुत ही सेक्सी थी। जैक को फोटोग्राफी का शौक था। शाम के टाइम जब वो स्मोकिंग कर रहा था तब मारिया उसके पास आकर बातें करने लगती है। जैक उसे बताता है जब मैं छोटा था तभी मेरी मॉम की मौत हो गई थी और मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। जैक को अपनी सौतेली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपने डैड से नफरत करने लगा था। अगले दिन हम देखते हैं जैक फिर से फोटोज क्लिक कर रहा था, तभी उसके पास एक लड़की आती है जो जैक से दोस्ती करना चाहती थी और अपनी जिस्म की प्यास बुझाना चाहती थी। तभी उसी टाइम उसके पास से मारिया गुजरती है, लेकिन जैक उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि उसे तो मारिया की प्यास बुझाना थी। इसके बाद जैक उसे मना करके घर चला जाता है और छुपकर मारिया की फोटोज क्लिक करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं मारिया जैक से कहती है वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन जैक तो सिर्फ मारिया से ही दोस्ती करना चाहता था। जैक मारिया से कहता है मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, मैं तुमसे हर बात खुलकर कर सकता हूँ। इसके बाद जैक उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाता है और जैक उसे कहता है तुम बिल्कुल मेरी मॉम की तरह लगती हो। इसके बाद मारिया भी उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है। वो उसे कहती है मैं 16 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी, जिसके बाद मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। इसके बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुख की बात है मैंने उसे भी खो दिया। देखते ही देखते इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होने लगी थी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं डेव जैक से माफी मांगता है क्योंकि अपने काम की वजह से वो उसके साथ टाइम नहीं बिता पा रहा था। इसके अगले दिन डेव किसी काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। घर में मारिया और जैक अकेले ही बचे थे। इसके बाद मारिया उसके पास आकर उसे समझाती है तुम्हें अपने डैड से अच्छे से बात करनी चाहिए, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। रात को सोने से पहले जैक अपने कैमरे में मारिया की फोटोज देखकर अपने हथियार को हिलाने लगता है और गोलियों की बौछार कर देता है। एक्चुअल में उसे अपना हथियार मारिया की गुफा में खाली करना था, लेकिन अभी वो फोटो से ही काम चला रहा था। अगले दिन हम देखते हैं मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे फिर से रिश्ता रखना चाहता था, लेकिन मारिया उसे मना कर देती है। जैक भी इन दोनों की बातें छुपकर सुन रहा था। आज जैक का बर्थडे था, इसलिए मारिया जैक से पूछती है तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए। तब जैक कहता है मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ। मारिया को उसकी ये बातें अजीब लगती हैं। मारिया उसे साफ साफ मना कर देती है, लेकिन उसके बाद भी जैक उसे छूने लगता है। तभी मारिया उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी अचानक बेल बजती है और घर के दरवाजे पर वही लड़की थी जो जैक से दोस्ती करना चाहती थी। जैक उस लड़की के साथ चला जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से उस लड़की को अकेला छोड़कर वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तब वो देखता है कमरे से मारिया के रोने की आवाज आ रही थी। वो मारिया के पास जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ और मैं तुम्हें प्यार से गले लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर मारिया उसे गले से लगा लेती है और जैक का हथियार फिर से हरकत करने लगता है। जैक अपने दोनों हाथों से मारिया की गांठ सहलाने लगता है। अब मारिया को ये सब अच्छा लगने लगा था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो जैक को रोककर वहां से चली जाती है। जैक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तब मारिया उसे बताती है ये सब गलत है, मैं तुमसे दुगनी उम्र की हूँ। तब जैक कहता है प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। मारिया भी उसके बातें समझ जाती है। इसके बाद ये दोनों दबाकर संभोग करते हैं। संभोग करने के बाद मारिया जैक को समझाती है तुम्हें अपने डैड से अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जब मारिया किचन में काम कर रही थी तब जैक पीछे से आकर उसके कपड़े उठाकर चाटने लगता है, लेकिन तभी उन्हें डेव की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद डेव उसे बर्थडे विश करता है और उसे गिफ्ट भी देता है और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन हमेशा की तरह जैक उसे मना करके चला जाता है। इसके बाद मारिया जैक के पास आकर फिर से उसे समझाती है। इसके बाद जैक मारिया की बात मानकर अपने डैड के पास आता है और दोनों साथ मिलकर फर्स्ट टाइम साथ में दारू पीते हैं। डेव को जैक की बातें सुनकर पता चल गया था। जैक को लग रहा था मैंने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि मैं उसकी मॉम से प्यार नहीं करता था, लेकिन वो जैक को समझाता है मैंने दूसरी शादी सिर्फ तुम्हारे लिए की ताकि तुम्हें मॉम का प्यार मिल सके और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। ज्यादा दारू होने की वजह से वो वहीं पर सो जाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं मारिया जैक को अपने साथ अपने घर लेकर आती है। एक बार फिर से ये दोनों दबाकर संभोग करते हैं। अपनी गर्मी ठंडा करने के बाद वो जैक को बताती है मेरा बेटा एक रोड एक्सीडेंट में मर गया था, इसलिए वो मेरे साथ नहीं है। ये सुनकर जैक उसे अपने गले से लगा लेता है। कुछ टाइम के बाद जैक अपने घर पर आकर पहली बार डैड से खुश होकर बात करता है। जैक में ये बदलाव देखकर डेव भी बहुत ज्यादा खुश था। देखते ही देखते जैक की छुट्टियां खत्म हो
जाती हैं। अब उसके जाने का टाइम आ जाता है और वो मारिया को गले लगाकर उसे विदा लेता है। इसके बाद वो डेब को भी गले लगाकर गुड बाय बोलता है। मारिया का प्यार मिलने के बाद जैक पूरी तरह बदल चुका था। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं मारिया अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है और वो उन्हें बताती है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। मारिया की कोख में जैक के प्यार की निशानी थी और इसे पाकर मारिया बहुत ही खुश थी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।